हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनु शर्मा एंड दिस इज सिविल सेक्शन. वेलकम यू ऑल हेयर. फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 7th की सिविक्स स्टार्ट कर चुके हैं और इस बुक का नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ सेकेंड. इसकी हम 5 यूनिट कवर कर चुके हैं और अब ये हमारा आखिरी चैप्टर है. इसकी हेडिंग क्या है? इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है कंटिन्यूड, मतलब ये है कि ये चैप्टर जो है, ये जितना भी हमने पूरी बुक में पढ़ा है उस सबका ये समअप है, कंक्लूजन है, आप ये कह सकते हैं. तो आज हम जानेंगे चैप्टर 10 के बारे में. चैप्टर 10 का नाम क्या है? स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी. यानी कि इक्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया गया है और कैसे इक्वालिटी मिली उसके बारे में हम इसमें आज जानेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं. तो फ्रेंड्स, पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, यानी चैप्टर का ओवरव्यू लेंगे. फिर हम देखेंगे कि इक्वालिटी के लिए कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया गया है. फिर हम जानेंगे तावा मत्स्य संघ क्या है. और फिर हम जानेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट है. ओके, तो आइए स्टार्ट करें. तो फ्रेंड्स, इस बुक के अंदर हमने बहुत कुछ पढ़ा, हमने बहुत सारे लोगों के बारे में जाना, जैसे अंसारी थे, मिलानी, स्वप्ना. तो इन सब में कॉमन क्या था? इन सब में कॉमन ये था कि इन्हीं सबको अनइक्वली ट्रीट किया गया था, यानी सभी को बराबर का दर्जा नहीं दिया जा रहा था. ठीक है, इनमें ये चीज़ क्या थी? इन सबको एक धागे से जोड़ती है, यानी इन सबको कनेक्ट करती है. ओके, और हिस्ट्री में तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जब लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी है इनइक्वालिटी के अगेंस्ट और जस्टिस के लिए, कि न्याय सबको बराबर मिलना चाहिए, सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए. तो हमारी हिस्ट्री में तो बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें देखने मिलते हैं. इसके अलावा जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी जो हमारा भारत का संविधान है, वो सारे के सारे भारतीय को, यानी जितने भी इंडियंस हैं, उन सभी को इक्वली ट्रीट करता है. यानी ये हमारा फंडामेंटल राइट है, इक्वालिटी बिफोर लॉ. यानी लॉ की नज़र में, कानून की नज़र में हर इंसान बराबर है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो एक डोमेस्टिक वर्कर हो. ठीक है, तो उनके साथ में, क्योंकि उनका रिलीजन अलग है या उनका जेंडर अलग है, कास्ट अलग है, तो इस बेस पर सिर्फ उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता. यानी हर एक पर्सन को इक्वली कंसीडर किया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. ओके, इसके अलावा हमारे इंडिया में जितने भी एडल्ट्स हैं, उन सभी को इक्वल राइट है वोट करने का. यानी ऐसा नहीं है कि आपका पर्टिकुलर रिलीजन है तो आपको राइट नहीं दिया जाएगा, या पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते तो आपको राइट नहीं मिलेगा वोट करने का. नहीं, हमारे यहाँ पर सभी को इक्वल ही राइट है वोट करने का, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हम लोगों ने जाना था. ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप एक बार जाके ज़रूर देखें उसको. ओके, तो और ये जो बैलेट बॉक्स की पावर है, बैलेट बॉक्स यानी कि वो बॉक्स जिसमें जो आपके वोट होते थे ना, पहले क्या होता था कि वोट जो होते थे वो एक स्टैम्प पेपर पे होते थे. ठीक है, एक कागज़ होता था, उस पर सबके कैंडिडेट्स के नाम लिखे होते थे और आपको उस पर स्टैम्प लगाना होता था जाके, जिस भी पार्टी को आपको वोट करना है. तो वो एक बॉक्स में डाला जाता था उसको बाद में, तो उसी बॉक्स को बोलते हैं बैलेट बॉक्स. ओके, तो जो बैलेट बॉक्स की पावर है ये कब दिखती है? इलेक्शन के टाइम पर, जब लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं या फिर जो पहले से रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं. तो इतनी ज़्यादा पावर है इस बैलेट बॉक्स में. लेकिन ये जो फीलिंग है इक्वालिटी की, ये एक्चुअली सभी लोगों को नहीं मिलती है. यानी बेशक से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबको इक्वालिटी का राइट दिया गया है, लेकिन ग्राउंड लेवल की रियलिटी कुछ और ही है. यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आज भी इक्वल दर्जा नहीं मिलता है. और इसका एक सबसे बड़ा कारण क्या है? पॉवर्टी, गरीबी, या फिर आपके पास रिसोर्सेज नहीं हैं. तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कि लोगों को अनइक्वली ट्रीट किया जाता है. और हमारे यहाँ पे इनइक्वलिटी इसलिए भी है क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉवर्टी भी ज़्यादा है. ओके, इसके अलावा इंडिया में कुछ और रीज़न है इनइक्वलिटी के. एक तो है डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव बहुत किया जाता है. क्यों किया जाता है? बहुत सारे रीज़न है. किसी के रिलीजन के बेस पर सब भेदभाव किया जाता है, किसी की कास्ट अलग है इसलिए उसको डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ता है, किसी का जेंडर अलग है यानी कोई गर्ल है या बॉय है तो इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है. तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से इंडिया में लोगों को अनइक्वली ट्रीट किया जाता है. ओके, तो अब हम बात करते हैं स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी की, यानी किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में इक्वालिटी के लिए संघर्ष किया गया है. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ऐसी चीज़ें हुई हैं, थ्रू आउट द वर्ल्ड हर एक कम्युनिटी, गांव, सिटी, टाउन, सब जगह पर आप क्या देखेंगे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मतलब लोगों ने किया है. और कुछ जिन्होंने स्ट्रगल किया है उनको तो बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट भी मिली है. ठीक है, हमारी हिस्ट्री उठाकर देख लेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनइक्वालिटी के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ी है, लोगों के बराबर का अधिकार दिलवाने के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है. तो उनके उनको हम लोग आज भी बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, राइट. तो ये जो लोग थे, ये इन्होंने क्या किए, ये गरीबों के लिए खड़े हुए, ये उन लोगों के लिए खड़े हुए जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, भेदभाव किया जाता था.
उनके लिए इन्होंने आवाज़ उठाई। और भारत में भी ऐसे बहुत सारे स्ट्रगल हुए हैं जहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने इनइक्वालिटी के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी है। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है, विमेन्स मूवमेंट, यानी विमेन के अधिकारों की सबने मिलकर लड़ाई लड़ी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पर ही ऐसा हुआ है, ऑलमोस्ट वर्ल्ड में हर जगह पर इक्वालिटी के लिए संघर्ष किए गए हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम एक एग्जाम्पल लेकर चलेंगे, ये है तवा मत्स्य संघ का। तो ये क्या है, तो फ्रेंड्स जब डैम बनते हैं या फिर फॉरेस्ट एरियाज़ को सेंचुरीज में डिक्लेयर कर दिया जाता है कि यहाँ पर तो ये सिर्फ एनिमल्स के लिए रहेगी, तो इससे क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ लोगों को डिस्प्लेस कर दिया जाता है उस जगह से, और पूरे के पूरे गांव जो हैं उनको अपरूट कर दिया जाता है, यानी उनको जड़ से उखाड़ दिया जाता है। लोगों को ज़बरदस्ती फोर्स मतलब किया जाता है कि वो वहाँ से छोड़कर अब उस वहाँ से जाएँ, क्योंकि यहाँ पर नए कंस्ट्रक्शन होंगे या फिर इस एरिया को सेंचुरीज वगैरह प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है। तो इसीलिए उनको फोर्स करते हैं कि आप यहाँ से जाएं, उनको फोर्स किया जाता है कि वो अपने अलग घर बनाएं, एक नई ज़िंदगी दोबारा से शुरू करें। बहुत सारे तो इनमें इतने गरीब लोग होते हैं कि वो इन चीज़ों को अफोर्ड ही नहीं कर पाते। इसके अलावा ऐसा नहीं कि सिर्फ अर्बन एरिया रूरल एरियाज़ में ही होता है, ये अर्बन एरियाज़ में भी होता है। पूरी की पूरी बस्तियाँ जो होती हैं उनको उजाड़ दिया जाता है। उसमें बस्तियों में तो कौन लोग होते हैं, गरीब लोग ही होंगे, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मतलब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करना, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है लोगों की, कम्युनिटीज़ की, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और कई बार तो ये कंट्री में बहुत बड़ा इशू बन जाता है, राइट? तो इसके बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हम लोग जानेंगे। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इन लोगों के लिए, यानी जो डिस्प्लेस्ड पर्सन हैं, यानी जिनके जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर कर दिया गया है, तो उनके राइट्स की लड़ाई लड़ी है। ठीक है, पूरी कंट्री में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पर ही ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरी कंट्री में फैली हुई है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है, तवा मत्स्य संघ। तो फ्रेंड्स तवा मत्स्य संघ क्या है, ये फिशर वर्कर के जो कोऑपरेटिव्स हैं उनका ये पूरा एक फेडरेशन है, राइट? ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ये डिप्लेस्ड फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो होते हैं सतपुरा फॉरेस्ट में, ये सतपुरा फॉरेस्ट कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है। तो इन यहाँ से लोगों को डिस्प्लेस किया गया था, तो जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी इस फेडरेशन ने। ओके, तो ये तावा डैम जो है ये 1958 में बिल्ट होना शुरू हुआ था और ये 1978 में कंप्लीट हुआ था। और जब ये बन के तैयार हुआ, इसकी वजह से बहुत सारे फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर लैंड जो थी वो सबमर्ज हो गई थी, यानी वो ऊंची दीवारें थी उस तरफ और सारा पानी एक तरफ ही निकल के आता था। तो जितने भी नीचे वाले एरिया से वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता था, तो वह पूरा का पूरा सबमर्ज हो गया पानी में। जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे उनके पास तो कुछ बचा ही नहीं, यानी जिनका पूरा ज़िंदगी किस पे चलती थी, जंगलों पे चलती थी। अब क्योंकि जंगल तो डूब चुके हैं, तो उनका ज़िंदगी कैसे, अब उनका जीवन यापन कैसे होगा। तो वो जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे उन्होंने रिजर्वॉयर के आसपास रहना स्टार्ट कर दिया, यानी उस डैम के आसपास रहना स्टार्ट कर दिया। अब पहले तो ये फॉरेस्ट ड्वेलर थे, वहाँ से इनका काम छीन लिया गया। अब जब इन्होंने रिजर्वॉयर के पास रहना स्टार्ट किया, तो इन्होंने फिशिंग स्टार्ट कर दी, फिशिंग करके थोड़ा सा अपना जीवन यापन ही करने लगे। उसके बाद क्या हुआ, 1994 में गवर्नमेंट ने फिशिंग के राइट किसको दे दिए, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिए फिशिंग के राइट। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे इन्होंने वहाँ के लोगों को निकालना वहाँ से स्टार्ट कर दिया, या फिर कुछ लोगों को काम देते थे तो उनको बहुत कम वेज देते थे, यानी बहुत कम उनको मजदूरी दी जाती थी। तो विलेजर्स इस चीज़ के अगेंस्ट खड़े हो गए सारे के सारे, यानी वो यूनाइट हो गए और उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करेंगे, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी। और ये जो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई उसको नाम दिया गया तवा मत्स्य संघ, यानी TMS। इन्होंने ये जो संघ बना, इन्होंने रैलीज की, चक्का जाम किए। चक्का जाम का मतलब होता है रोड को ब्लॉकेज करना, यानी उसको वहाँ से कोई भी गाड़ी वाड़ी को पास ना होने देना, उसको बोलते हैं चक्का जाम। इन्होंने क्यों किया ऐसा कुछ, क्योंकि इनकी डिमांड क्या थी कि इनको इनका राइट वापस मिले, ये वापस से फिशिंग करेंगे, क्योंकि फिशिंग इनका जीवन यापन का जरिया है, उसको ना छीना जाए। तो जब इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट बढ़ गया, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कमेटी सेटअप की और कमेटी को बोला कि आप इस इशू को देखिए, एसेस कीजिए और हमें बताइए कि इसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। तो कमेटी ने रिकमेंड किया कि फिशिंग जो है वहाँ के लोगों का राइट है और इनको ये वापस दिया जाए, क्योंकि उनका जीवन यापन इसी से होता है। तो 1996 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया, मध्य प्रदेश जितने भी डिस्प्लेस्ड पीपल थे उनको फिशिंग राइट्स दे दिए गए। ओके, उसके बाद में TMS ने कोऑपरेटिव्स भी सेटअप किए। अब ये कोऑपरेटिव्स क्या काम करते हैं, इनको
जो भी मछलियाँ पकड़ते हैं उनका फेयर प्राइस दिलवाने में इनको हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके अलावा TMS ने जो फिश वर्कर्स हैं, यानी जो फिशिंग करते हैं या फिर मतलब फिशिंग से जुड़े हुए हैं जितने भी वर्कर, उनको लोन देने का काम भी किया, जिससे कि वो क्या करें, अपने नेट को, जो जाल होते हैं ना मछली को पकड़ने वाले जाल जो होते हैं, उनको रिपेयर करवा सकें या नए जाल खरीद सकें, इसलिए उनको लोन देना भी इन्होंने स्टार्ट किया। और TMS ने ये दिखा दिया कि लोग अगर इकट्ठे हो जाएं, यानी लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना लें, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, अपने राइट्स को वापस ले सकते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और इसमें हम बात करेंगे कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, यानी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। आपको ये पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारे के सारे रूल्स लिखे होते हैं जिसके अकॉर्डिंग एक कंट्री फंक्शन करती है। ओके, तो जो हमारा भारतीय संविधान है, यानी जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें सबको इक्वालिटी का राइट दिया गया है, मतलब सबको बराबरी का अधिकार दिया गया है। और हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मूवमेंट और ऐसे स्ट्रगल्स भी हुए हैं इंडिया में, जिसकी वजह से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई पड़ता है, क्योंकि तभी तो हमको ये सारे इक्वालिटी का, जस्टिस का ही राइट मिला, क्योंकि बहुत सारे संघर्ष हुए हैं इस चीज़ के लिए, और फिर उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उन पॉइंट्स को डाला गया। और किसी भी डेमोक्रेसी के लिए इक्वालिटी जो है ये एक बहुत ही सेंट्रल इशू होता है, यानी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू होता है। और क्योंकि इनइक्वालिटी जो है वो बहुत लोगों को प्रभावित करती है। ज़्यादातर कौन लोग होते हैं, पुअर होते हैं, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ होती हैं, तो उनके इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटी के लिए भी काम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये क्या है, ये स्ट्रगल कोर है इक्वालिटी के लिए डेमोक्रेसी में, ठीक है। तो ये स्ट्रगल हुए हैं तभी तो इक्वालिटी आई है, तभी तो कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई हैं वो पॉइंट्स, राइट। और डिग्निटी और सेल्फ रेस्पेक्ट, ये हर पर्सन का अधिकार है, हर कम्युनिटी का अधिकार है। और ये इनको तभी रियलाइज हो गई ये चीज़ें जब इनको एडिक्वेट रिसोर्सेज दिए जाएंगे, इनको प्रॉपर सपोर्ट दिया जाएगा, इनको नर्चर किया जाएगा, इनकी फैमिलीज को सपोर्ट किया जाएगा, और इनकी अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, तभी जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं या जो पुअर लोग हैं उनको ये फील होगा कि वो इक्वल हैं, वो बराबर हैं, और इनसे भेदभाव नहीं किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में आज सिर्फ इतना ही है। और अगर आपको हमारी वीडियो देखने के बाद में कोई भी डाउट आता है तो आप उसको कैसे क्लेरिफाई कर सकते हैं, तो हम आपको उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज बता रहे हैं। आप हमारे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में हमसे अपने डाउट पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है @सिविल सेक्शन। आप हमें अपने डाउट मेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है civilsection2018@gmail.com। इसके अलावा आप अपने डाउट्स हमारी वेबसाइट पर भी पुट कर सकते हैं, जिसका एड्रेस है www.civilsection.com। ओके, और फ्रेंड्स ये सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होती है 7th क्लास की, और हमारे शेड्यूल के अकॉर्डिंग अब हम नेक्स्ट सीरीज़ डालेंगे 8th क्लास की सिविक्स। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है शेड्यूल वाली, तो आप जाके एक बार उसको ज़रूर चेक कर लें, और हम आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि हम कब कब कौन कौन सी सीरीज़ कंप्लीट करने वाले हैं, और आप उसके अकॉर्डिंग अपना रूटीन मेंटेन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट सीरीज़ में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।